जी हाँ, आज मेरे साथ जो पत्थर का आदमी बैठा हुआ है, इन्होंने कई मशहूर फिल्में की, मसलन फैंटास्टिक फोर, थॉर और हॉट बबल गम। ये लास्ट वाली काफी फैमिली मूवी की हिट हुई थी। मैंने इन्हें पहली दफा जब देखा तो ये करके गाना गा रहे थे, जिस तरह की बड़ी गर्म चीज पे वो बैठे हुए। वो गाना था आई बिलीव लाइक अ वर्जिन, बिकॉज ही इज अ वर्जिन। थैंक यू। इन्होंने मुझे प्राइवेट में बताया कई बार और इनकी शक्ल से भी लगता है। आइए मिलते हैं और जानते हैं कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। अदाकार, गुरुकार और चमत्कार, इंडस्ट्री में मेरे अलावा भाई वर्जिन, मिस्टर जुनैद खान। यार मैं अब इतना भी सख्त नहीं हूँ, मैं बहुत फ्लेक्सिबल आदमी हूँ। ओ तेरी मूव्स, ही मूव्स लाइक जैगर। या जॉगर। वाह यार, जबरदस्त ये हो गया। ये आपने अपने बारे में सुना होगा वैसे पहले। हाँ है ना। हाँ। और आप वो पास ऑन कर देते कि वो मैन्यू बिलाल अशरफ है वो। हाँ है ना। अभी भी आपने क्या है वो पत्थर का जुनैद, ये बताया कि आपका एक बैंड था कॉल गर्ल। हाँ तो वो अभी भी चल रहा है। कॉल बॉयज। हाँ कॉल बॉयज अभी तक हैं, एक्टिव हैं। गर्ल्स कहाँ गई? गर्ल्स तो आसपास होती थी। आसपास होती थी कॉल गर्ल्स ग्रुपीज। सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। हम तो कॉल बॉयज हैं। ये बताया सिंगिंग के साथ साथ आपने एक्टिंग भी शुरू कर दी। हाँ क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन का एक और मीडियम चाहिए था। और वो मिल गया। और वो मिल गया टीवी के थ्रू। रोकड़ा भी काफी बना दिया। वो आपको पता है पर्क्स ऑफ बीइंग ऑन टीवी। आपको ही पता है इस बात का, यूट्यूब से कितने पैसे आते होंगे। मुझे तो कहाँ पैसे, मैं एक ही वर्दी में घूमता रहता हूँ सारा कुछ जो है ना। ये बताए फेमस होने के बाद पैसों के अलावा, फेम के अलावा और क्या मिलता है? आपको खाना खाने को मिलता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में, फ्री फ्री मिलता है। और कपड़े मिलते हैं अच्छे अच्छे, ड्रेसेस मिलते हैं अच्छे अच्छे डिजाइनर से। और आपको ट्रैवल करना मिलता है, और आप दुनिया ट्रैवल कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। और कुछ नहीं मिलता। और मतीरा, हम आगे चलते हैं। ये है हमारा ट्रू और फॉल्स राउंड। अच्छा आपने कहना है ट्रू के फॉल्स, रेडी? अच्छा ट्रू को फॉल्स कहना है, ट्रू या फॉल्स कहना है। ओह अच्छा अच्छा, ओके। मेरी टाइप की सिंगिंग के लिए रियाज नहीं करना पड़ता, बल्कि बशीर, नुमान और नईम करना पड़ता है। क्या आखिर में क्या करना पड़ता है? नईम करना पड़ता है। नईम? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं तो बंदा हूँ पहली बात है, और अ वेरी स्ट्रेट गाय। लेकिन हाँ रियाज बिल्कुल, लेकिन हमारे रियाज फर्क किस्म का होता है। जैसे आपने पहले बताया था ना, गला साफ करना पड़ता है, कमरे में बंद करके अपना को चीख चीखे मारनी पड़ती हैं। चीजें भी तोड़ते हैं? रियाजत नहीं, वो नहीं, चीजें नहीं तोड़ते। नहीं वो मेरे पास माइक होता है, उसको मैं नहीं तोड़ सकता, लेकिन गिटारिस्ट जो है वो समझ सकते हैं इस बात को कि वो शायद तोड़ते हो गिटार। लेकिन जुल्फी का गाना हिट होता था, मेरी बहुत हटती है ट्रू के फॉल्स? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, बिल्कुल फॉल्स है ये। आई थिंक एक जमाना था जब एक हेल्दी एक कॉम्पिटिशन हम आपस के बीच में था हमारे, लेकिन आई थिंक अब वी हैव लिव्ड बियॉन्ड दैट। मंशा पाशा के सामने मैं डर के मारे अच्छी एक्टिंग करता हूँ, क्योंकि उसके शोहर जिप्स से मुझे बड़ा डर लगता है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। बहुत बहुत अच्छा आदमी है और मुझे उसके व्यूज पसंद भी हैं पॉलिटिक्स में, तो नहीं नहीं डरने वाली क्या बात। कभी सेट पे आके वो कहता है कि सही एक्टिंग करो, एक्टिंग अच्छी करो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ओके आगे चलते हैं। मेरी अगर शादी नहीं हुई होती तो मैं सारा खान से शादी कर लेता। ट्रू के फॉल्स? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं खुला सांड फिरता हैं। मैं खुला सांड फिरता, मतलब खुला सांड नहीं पता आपको? सांड। हाँ खुला सांड फिरता, मैं क्यों शादी करता किसी और से। ओके फिल्म के बारे में बताएं जो आपकी आ रही है। फिल्म हमने तो बहुत मेहनत की है और होपफुली अच्छी होगी। डायरेक्टर अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छी है, कास्ट अच्छी है। जलाल डायरेक्टर, जलाल गुड लगा, आई लाइक यू। चुनी गेम खेलेंगे जी, इसका क्योंकि आपका म्यूजिक से ताल्लुक है। okay. पहला प्यार, तो आपको ये कंप्लीट लिरिक्स करने होंगे। ओके रेडी? टन टना टन 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 टाना, चलती है क्या 9 से 12? बड़े को बेवदो आदमी है यार आप। हुँ? आपकी बीवी को मैं बताऊंगा यार, चलती है 9 से 12 इस उम्र में ऐसी बातें करें, शर्म करें यार बंदे को। अच्छा अकेली कहीं मत जाना। अकेली कहीं मत जाना, जिमी अतरे। हाँ जमाना नाजुक है, जमाना नाजुक है। कंप्लीट द लिरिक्स हम खेल रहे थे। ये है गाना जी के देखा मर के देखा, इनके देखा मर के दे दिल दीवाना करके देखा। हाँ दिल दीवाना, गुड गुड, इनकी म्यूजिक नोहा बहुत अच्छी है। ये बताए जी के देखा तो सही है, ये मर के कैसे देखा? ये शायर क्या कहना चाह रहा है? मर के उन्हें देखा कि जब भी लड़की नहीं मानी और फिर वो वापस जिंदा हो गए। हारून बड़ा को मुझे शायर ने क्या खूब कमाया, कहा है कि जी के देखा और मर के देखा, मर के देखा फिर भी काम नहीं हुआ, फिर भी मतलब हाँ मर ही रहते फिर अलास। और डांस अच्छा करता है वैसे हारून, मैंने देखा हारून, हारून का तो मैं अभी वो देख रहा था, परफॉर्मेंस इज स्टिल वेरी मच एक्टिव और ऐसे 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 वो फ्लिप में मारता है वो, आई लाइक हिम, आई वांट टू नो व्हाट ही इज ईटिंग। हम लोग बचपन में ब्रेक डांस करते थे। हाँ फाखर हार जाता था हमेशा। हाँ अच्छा आगे चलते हैं जुनैद, इस सेगमेंट का नाम है आखिरी बार।
ओके आखिरी बार पॉर्न फिल्म कब देखी थी आज सुबह? यार होती क्या है पहले बताएं आप पॉर्न फिल्म आप फिल्म डायरेक्टर हैं बताएं आज बीपीएन खरीदे हुए और मेरे से पूछ रहा क्या होगा बीपीएन अच्छा बीपीएन मैंने कहा बीपी तो मैंने कहा वो जो कैंडी होती थी ना बीपी बोला ना बन चार बीपीएन है मेरे पास आता है दोनों मेरे पास नहीं है इनके पास अच्छा क्या जवाब है इस बात का जवाब है कि बचपन में जवानी में बड़े को करप्ट आदमी बचपन में पॉर्न फिल्म देख रहे हैं यार आखिरी बार ठुमका कब मारा था जुनैद आखिरी बार हाँ ये हफ्ता पहले मारा था हफ्ता पहले महफिल जमी हुई थी नहीं नहीं शूट था शूट पर ठुमका मारा पंचा पाचा के मजे आ रहे जुनैद खान ठुमके मारे आखिरी बार हीरा मंडी कब गए थे मैं हफ्ता पहले गया था लेकिन मेरी प्ले की शूट थी और उन्हीं गलियों में थी सब ये कहते हैं सब फकीर खाना में शूट थी मेरी जो और बिल्कुल पास थे स्पेशली जो अदाकार वहाँ पकड़े जाते हैं वो ये कहते हैं कि मेरी शूट थी और कैमरा भी जेब से निकाल देते कहते हैं शूट कर रहे थे अच्छा लोग पकड़े भी जाते हैं और फिर लीक इसी जो तरीके से होती है वही फिल्म शूट कर रहे होंगे फैमिली मूवी हाँ बीपी जली आखिरी बात स्विमिंग पूल में सुसु कब की थी नहीं ये तो कभी नहीं की यार आप मिस कर रहे हैं ये मजा यार है? सीन ही और है यानी कि जो सॉल्ट्स हैं वो सारी दुनिया तक पहुंचने चाहिए सैटिस्फैक्शन मिलती है कि बस कि मैंने कुछ काम खराब किया आज किसी का नाइट्रस ऑक्साइड सारी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए पूल में आग लगा दो उसके ऊपर जो है बच्चे जलते हुए बाहर निकल रहे थे बड़ा फन होता है यार आप करके देखे टेंशन बाहर आखिरी बार आंख किसको मारी थी कल मेरी आंख पड़क रही थी वैसे तो मेरे ख्याल में जितने भी लोग आसपास मेरे गुजरे होंगे सबको लग गई होगी फ्लर्ट पे ही देखें अगला सवाल निकल आया कि मैंने कभी आपको फ्लर्ट करते हुए नहीं देखा या लड़कियों के साथ लेसी होते हुए नहीं देखा आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे लोगों के साथ कंफर्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है सो इसलिए मैं खुद इनिशिएटिव नहीं करता हाँ कोई और आ जाए होने के बाद भी मैंने कभी आपको नहीं देखा कि आप किसी को कह रहे हो हाउडी टाइप सीन आपने मुझे कंफर्टेबल देखा कब मैंने देखा आपको आप यहाँ पार्टी पे आए बड़ी जबरदस्त एडवाइस दी है जुनैद ये बताएं कि आप मैंने सबसे ज्यादा लीचड़ हरकत कौन सी की अब तक ऑप्शंस अच्छा ठीक है फीमेल फैन का नंबर लेके उन्हें डर्टी पिक्चर्स भेजना अच्छा नंबर टू फैंस के बुलावे पे लंच पे जाना और घर वालों के लिए भी बहुत सारा खाना पार्सल करवा लेना अच्छा वैले को 500 रुपए का खुला मांग के कहना कि मैंने तो 1000 दिए थे अच्छा ताकि प्रॉफिट हो जाए कुछ एक्टर्स करते हैं ऐसे अच्छा बिजनेस और अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइजर से बिजनेस क्लास का बजट मांग के इकोनॉमी फ्लाई करना और बाकी पैसे जेब में डाल देना ये भी बहुत लोग करते हैं अच्छा ये वो तो खुद अपडेट करते हैं अपने पैसे डाल के ये मैंने सुना है कौन करता है भाई आयशा उमर के अलावा कोई नहीं करता अच्छा चलो फिर भी ठीक है तो ओके ऐसा कुछ नहीं किया आपने अच्छा नहीं हाँ नहीं एक चीज मैं ऑलमोस्ट करने लगा था 500 रुपए वाला खुला नहीं वो जो आपको पता है ना इन सब कैटेगरीज में सबसे एक ओह डर्टी पिक्चर्स नहीं जो फूड की जो खाने वाली बात है वो सबसे अच्छा, मेरे लिए अच्छा, हाँ। अच्छा, so, एक मैं मंगनी पे गया हाँ। और वहां पे जो मटन कुन्ना था वो इतना मजेदार बना हुआ था शादी से खाना आपने पार कर लिया सो मैं बिल्कुल मैंने वहां पे इवेंट मैनेजर को बुलाया मैंने कहा किसने बनाया उसने कहा ये जी इस कुक ने बनाया सो मैंने उसने मुझे ऑफर मारी कि क्या आपको मैं पैक करा के दे दूं आपने उसके बाद 3 सेकंड का पॉज दिया मैंने लेकिन फिर मैंने कैलकुलेशन की मैंने कहा नहीं थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मैंने मना कर दिया ना कर दिया आपने अच्छा मैंने कहा थैली में लेकिन 3 सेकंड का हाँ था वो अंदर कि उसमें अगर वो खुद कहती कि नहीं 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 प्लीज प्लीज ले जाए प्लीज नहीं नहीं तो मैं कर देता लड़की थी हाँ जी आगे चलते हैं ये बताएं कि आपको कई बार मैंने जिम में देखा जी काफी हॉट ओह आप भी जिमाते हैं आप स्लीवलेस पहन के अपने मसल दिखा आप स्लीवलेस पहन के अपने मसल दिखा के मुझे चिढ़ा रहे होते हैं अच्छा टू स्टोरी ये बताएं कि आप वर्कआउट के बाद ऊपर फोर्थ फ्लोर पे जाके मेडिटेशन भी करते हैं नहीं वहाँ फोर्थ फ्लोर में मेडिटेशन है वो दबा के मेडिटेशन हो रही होती है अच्छा हाँ सब जो स्ट्रेसफुल होता है ना स्ट्रेस लाइफ का अच्छा वो फिर फोर्थ फ्लोर पे जाके लोग जो है ईजी हो जाता है ऐसे ऐसे ईजी हो जाता है तो आप की मेडिटेशन नहीं मेरी एक्चुअली मेरी मेडिटेशन जिम में ही हो रही होती है जिम में हाँ जी जब आपको मेरे ट्राइसेप्स चढ़ा रहे होते हैं तो वो ही एक तरह की मेडिटेशन है आपको पता ना मेडिटेशन क्या होती है ये बताएं कि इन लोगों में ऐसा क्या है जो आप में नहीं गौर मुमताज इज गुड लुकिंग आप भी गुड लुकिंग है यार क्या आप वो कर रहे हैं अच्छा मॉडेस्ट हो रहे हैं आप अली अजमत वॉइस आवाज oh. आवाज भी आपकी बड़ी है बट अली अजमत की आवाज ओके सिंगर एनी प्रिंसेस माहिया एनी प्रिंसेस एनी हाँ बाल वो वाले बाल हाँ वो बाल कहीं नहीं आई लाइक हर हेयर वकार जका कॉन्फिडेंस
इतना कॉन्फिडेंस जो है इतना कॉन्फिडेंस लेवल का लेवल हाँ गुड होना चाहिए काफी एक्सट्रीम हरकतें करा देते हैं स्पेशली लड़कियों से बिल्कुल बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ कितना कॉन्फिडेंस जब आप करते हैं डिस्प्ले तो फिर अगला भी कॉन्फिडेंट हो जाता है मोमन अमोस्ट हसन लुक्स और शी इज अ वुमन सो काफी कुछ चीजें हैं ये है हमारा एक्सट्रीमली ओरिजिनल सेगमेंट जो मैं आपको लफ्ज बोलूंगा आपके दिमाग में जो पहला लफ्ज है वो आपने मेरे मुंह ठीक है रेडी है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट ये तो देखें हर सड़क पे होती है रेड लाइट ग्रीन लाइट येलो लाइट एक वर्ड का मतलब पता है ओ अच्छा सड़क चौक चौक और कास्टिंग काउच कास्टिंग काउच बैठेगा नहीं मैं नहीं शुक्र थैंक यू थैंकफुली मुझे नहीं पता बट इट्स रियल इज रियल होता है बिल्कुल होता है एवरीवेयर सब बुरा के फिर भी चला मैं रंडी रोने हैबिट पाकिस्तानी सिनेमा तरक्की की जानिब सुहेल जावेद फन लविंग गाय इट्स अ गुड डायरेक्टर अवार्ड फंक्शंस एन इवेंट इट्स एन इवेंट ब्लॉगर बरादरी ब्लॉगर केयरफुली रहिएगा क्योंकि वो बजा देंगे वरना नो नो एज इन people who have command over language and good observation so pura sentence hai but one word ka matlab pata hai kya hota hai india mein perform karna one word yes of course big a big market jila watan adrenaline rush tahir shah extremely confident guy extremely confident collab kare na unke sath kuch bade views aayenge yaar हर चीज व्यूज के लिए नहीं की जाती अब जमाना जो है ना सिर्फ वीडियोस का आ गया वीडियोस का आगे चलते हैं अंडरवेयर के नो अंडरवेयर बॉक्सर्स अच्छा तीसरा जवाब दिया अली जफर क्या आतिफ आतिफ आयमा बेग के मोमिना मुस्तहसन हु आयमा बेग आप ऊंचा सुनते हैं मेरे आई एम नॉट मोमिना हां ऊंचा सुनते हैं ना ऊंचा आयमा और मोमिना आयमा कोक के पेप्सी कैसा पता है मैं एक्चुअली दोनों ही नहीं पीता दोनों नहीं पीते ये चलो इनको दोनों ऐड से निकाल दें उनको ना बैटल ऑफ द बैंड में लीजिएगा महविश के मायरा महविश दोनों में से हॉटी कौन लगती है ज़्यादा महविश इमरान खान के बाकी सारे प्राइम मिनिस्टर्स हाय ये तो बहुत टफ सवाल है बट आई थिंक द लेसर इविल इमरान खान यस लेसर इविल जुनैद ये बताएं कि आप मताए जान के लिए न्यूयॉर्क गए जी हमने सुना है कि आप कुछ महीनों के लिए स्लिप हो गए थे और आपने खूब वहाँ गाना वाना बजाया पाँच दिन के लिए स्लिप हुआ था वहाँ कोई आपने कोलैब किया हमारी रिसर्च ने बताया बताया हमारी ऑडियंस को हाँ मैंने कोलैबोरेशन की थी एक मेरी दोस्त है जेनिफर और आई नो जेनिफर एनिस्टन या नो शी इज जेनिफर जैनरिस जैनरिस वो एक ही बात तो उसके साथ कोलैबोरेट किया था वहीं पे कितना कोलैबोरेट किया था एक गाने के लिए वो बच्चा बच्चा वो नहीं उसका बॉयफ्रेंड था हेलो आई एम जुनैद खान और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है चूँकि आपको आई एम श्योर पसंद आएगी सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा